चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है, आप देख सकते हैं, जोड़ घटाना और गुणा। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे जोड़ और घटाना और गुणा, तीनों चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ आवाज़ प्रॉब्लम की वजह से आप लोग जोड़ घटाना अच्छे से पढ़े थे, लेकिन हम लोग गुणा छूट गया था भाई। गुणा हम लोग का, गुणे का जो प्रोसेस चल रहा था उसमें आवाज़ थोड़ा कट गई थी और पूरा वीडियो बन चुका था, तो इस वीडियो में मैं फिर से आपको समझाऊंगा कि गुणा जो है आपको कैसे करना है। गुणा का प्रोसेस आप अच्छे समझिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न आपके मिलेंगे अधिकांश तौर से गुणे पर आधारित आपको मिलेंगे। एग्जाम पैटर्न आपकी ये चीज़ें चल रही है, आपको ये पता ही है। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं गुणा, ठीक है। हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? गुणा हम लोग शुरू करेंगे, इस क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं गुणा, यानी कि गुणा जो है हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि ये चीज़ें और ये चीज़ें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणा, कि गुणा का प्रोसेस जो है कैसे आपको करना है, ठीक है। देखो, बहुत ही अच्छा ये प्रोसेस है, गुणा का प्रोसेस, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल अच्छे समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि पंक्ति और स्तंभ के बारे में देखे थे, उनका क्रम देखे थे और आव्यूहों को देखे थे, और इस वीडियो में हम लोग गुणा देखेंगे, आव्यूह निर्माण करेंगे, आव्यूह का निर्माण कैसे किया जाता है, सूत्र क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं गुणा की। चलिए तो यहाँ पर मान लेते हैं एक आव्यूह आपका ए बराबर दिया गया है 3, 6, 4, 5, 3, 2, 6, 7, 1, ठीक है। और दूसरा आव्यूह बी बराबर आपका दिया गया है 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 1, इस तरह से आपको आव्यूह दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको निकालना है ए डॉट बी, यानी कि आपसे पूछा है कि आप निकालो ए बी आव्यूह, ठीक है। सॉल्यूशन जब आप करोगे, सॉल्यूशन में आपसे पूछा है क्या, कह रहा है कि ए डॉट बी निकालो, ए डॉट क्या निकालो, बी, यानी कि ए आव्यूह से या बी आव्यूह से जो है कि ए आव्यूह में आप गुणा करोगे, इसको ए डॉट बी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। देखो, कहीं भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट द्वारा बताइएगा, थोड़ा सा भी प्रोसेस आपको दिक्कत नहीं करेगा, बिल्कुल आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ए आव्यूह आपको रख लेना है, तो यहाँ पर ए आव्यूह आपका हो जाएगा क्या क्या, देखो ध्यान से समझना क्या क्या आपका रखा गया है, 3, 6 और 4 है, यहाँ पर है 5, 3, 2 और यह है 7, 1 और 6, 7, 1। बी वाले आव्यूह को आप पुट करोगे, यहाँ पर है 1, 2, 4, 3, 4 और 5, 1, 2 और क्या है 1, इतना आव्यूह आपका दे रखा है। अब देखो, यहाँ पर ये आपका R1 होता है, R2 होता है और ये आपका R3 होता है, C1 होता है, C2 और ये क्या होता है, C3। ये चीजें आप पढ़े हैं, देखो हर एक चीज मैं आपको बताया हूँ। अब देखो यहाँ पर करना कैसे है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो है कि R1 को आप पकड़ोगे और यहाँ पर R1 के ऊपर ऐसे इस तरह से आप रखोगे, ठीक है। यानी कि कभी भी आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कराओगे R गुणे C, यानी कि स्तंभ से जो है पंक्ति में हम लोग हमेशा गुणा करेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप लोग गुणा भी करते हैं तो आपको पता है कि अंकों का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इकाई के अंक से शुरू होता है। इसमें भी हम लोग शुरू करेंगे इस तरह शुरू करेंगे तो आपको अच्छे समझना आएगा। देखो यहाँ पे सीवन को पकड़ेंगे हम लोग और सीवन को पकड़ करके ऐसे रखेंगे, तो जो अवयव जहाँ पे है इसको ऐसे, देखो सीवन से हम लोग करना है आर वन, यानी कि सीवन से करना है, इसके बाद सी टू से, इसके बाद सी थ्री, तो सीवन को आप ऐसे पकड़ोगे, ऐसे घुमा दोगे, तो देखो तो यहाँ पर आपका 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ गया, तो आपको हाँ सर बिल्कुल आ गया। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए सीवन से जब करोगे तो यहाँ पर सीवन का निर्माण होगा। अब देखिए 1, 3, 3 प्लस 5, 3 हो जाएगा 15 प्लस 1, 6, 6, दूसरा 6, 1, 6 प्लस 3 तिली के 9 प्लस 7, 1, 7, दूसरा ये 1, 4, 4 हो जाएगा प्लस 3, 2, 6 हो जाएगा प्लस 1, 1, 1। इसके बाद सी टू को ऐसे ही पकड़ेंगे, अभी ये हट जाएगा, ठीक है। सी टू की बात आई, सी टू को हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे घुमा लेंगे, तो 2, 4 और 2, सी टू को ऐसे पकड़ लेंगे हम लोग, ठीक है। सी टू को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे हम लोग घुमाएंगे, देखो कैसे आ रहा है, ध्यान से देखना। इसके बाद यहाँ से सी टू बनेगा, सी टू से कर रहे हो तो क्या बनेगा, सी टू यहाँ पर आपका बनेगा, और सी टू बनेगा तो देखो गुणा करने पे क्या होगा, 3, 2, 6 प्लस 5, 4, 20 प्लस 6, 2, आपका हो जाएगा 12। इसके बाद 6, 2 हो जाएगा 12 प्लस 3, 4 हो जाएगा 12 प्लस 7, 2 हो जाएगा 14, 4, 2 हो जाएगा 8 प्लस 2, 4 हो जाएगा 8 प्लस 1, 2 हो जाएगा 2।
समझ में आई बात। अब इसी के साथ आप C3 को पकड़ेंगे, C3 को ऐसे लिखेंगे आप, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब देखो C3 को ऐसे पकड़ोगे, ऐसे रखोगे, ये हो जाएगा 4, 5 और क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आपका बनेगा C3, क्या बनेगा C3 आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो C3 आप लोग लिखोगे 4, 3 चौके हो जाएगा 12 प्लस 5, 5 हो जाएगा 25 प्लस 6 कम क्या हो जाएगा 6। आगे 6 चौके हो जाएगा 24 प्लस 3, 5 हो जाएगा 15 प्लस 7 एकम क्या हो जाएगा 7। देखो ध्यान से देखना ये गुणा है, यदि इसको आप समझ जाते हो तो हर एक सवाल कर पाओगे। तो यहाँ से 4 चौके हो जाएगा 16 प्लस 2, 5 हो जाएगा 10 प्लस 1 एकम हो जाएगा क्या 1। इस तरह से आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद हम लोग अगला प्रोसेस लेकर चलेंगे, हल करेंगे। देखो 16, 5, 21 यानी कि 6, 5, 11 ग्यारह 6, 5, 11, 3 हो जाएगा 14 को 4 हासिल 1, 1, 2, 24 हो गया। इसको जोड़ेंगे 9, 7, 16 16, 6, 22 हो जाएगा, ठीक है, सही है ना, देख लीजिएगा। और 6, 4, 10 और 1 हो जाएगा 11। इसके बाद इसमें आ जाएंगे तो 2, 12, 2 आपका ऐसे जो इकाई का भी अंक जोड़ सकते हैं 2, 0, 2, 2, 6, 8 और ये हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। 2, 4, 2, 6, 6, 2, 8 हो जाएगा 1, 1, 2 और 1 ये क्या हो जाएगा 3, सही है ना। आप लोग देख लेना, गलत होगा तो कहीं आप सही कर लेगा। 8, 8, 16, 16, 2, 18 हो जाएगा। इसके बाद इसमें आ जाएंगे तो 6, 5, 11, 11, 2, 13 को 3 हासिल 1, 2, 1, 3, 1 हासिल 4, 43 हुआ। 7, 5, 12, 12, 4 हो जाएगा 16 को 6 हासिल 1, 1, 2, 1, 3, 3 हासिल 4। इसके बाद 1, 0, 0 और 1, 6 यानी कि यह हो जाएगा 7, 1, 1 क्या हो जाएगा 2। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है, ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है। क्या आया हुआ है फाइनल आंसर, आप यहाँ पे ले लोगे। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना। देखो कहीं भी किसी को दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हो कि हाँ यहाँ पर आपको परेशानी हो चुकी है। तो इस तरह से आप गुणा करोगे, तीन पंक्ति या तीन स्तंभ का हो तब, या दो क्रम का हो तब, इसी तरह से आपको जिस तरह से बताया गया है वैसे ही करोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ चिन्ह को बदल करके, है ना। चलो तो इतना समझ में आ गया किस तरह से करना है, और मैं अब आपको सिखाता हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है, इस तरह सवाल आते हैं और जो आपका आव्यूह है ना, ये आव्यूह जो दिया गया इसमें कभी किसी का चिन्ह माइनस और प्लस हो जाता है, उसको कैसे करना है, ठीक। तो उसको भी मैं समझा देता हूँ। इसके बाद मैं निर्माण पे आपको लेकर चलूँगा, आव्यूह निर्माण कैसे करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आप इस तरह से अनेक जो है एग्जाम्पल लेकर के, आप अपने मन से भी लेकर के कोई भी सवाल इस तरह से आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, कहीं भी परेशानी होगी तो आप बता दीजिए, क्योंकि भाई गुणा यदि नहीं आएगा तो आपको हर एक चीज़ में दिक्कत हो जाएगी, गुणा यदि नहीं आएगा तो मैं इन अंकों को भी बदल देता हूँ, इन अंकों को भी मैं बदल देता हूँ। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको करना है। चलिए देखिए यहाँ पर गुणा का प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं ए बराबर कोई और आव्यूह ले लेते हैं दूसरा, 1, -2, 3, -4 और यहाँ पर हो जाएगा 1 और 5, 6, 3 और क्या हो जाएगा 2। बी बराबर हो जाएगा 2, 1, 5, 1, -3 और 4, 6, 2 और क्या हो जाएगा 1। देखो इस तरह से माइनस कभी कभी चिन्ह का हो सकता है, तो माइनस मैं कुछ रखा हूँ, कुछ चिन्हों का माइनस भी मैं रखा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो और आसानी से आपको समझ में आ जाए। चलिए तो देखिए यहाँ पर यदि ए डॉट बी निकालना हो, क्या निकालना हो, देखो यहाँ पर मैं बी डॉट ए करके देखता हूँ, बी डॉट ए करके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या बी डॉट ए करके, आप समझ लो बी डॉट ए करके, इस बार दोनों चीज़ें समझ लीजिए, यानी कि बी डॉट ए हो तब कैसे करोगे। दोनों चीज़ें आपको वही करनी है, प्रोसेस सेम, आपका अलग प्रोसेस नहीं है, वही सेम चीज़ें हैं। चलिए तो बी वाले आव्यूह को पहले देखो, पहले बी है तो बी को रखोगे 2, -1 इसके बाद यहाँ पर है 6, 1 हो जाएगा -3 और माइनस क्या हो जाएगा 2, 5, 4 और क्या हो जाएगा 1, है ना। इसके बाद आप रखो किसको, ए वाले को, ए वालों को रखिए तो 1, -2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, थोड़ा इसको दूर रखिए, और यहाँ पर हो जाएगा -4 और यहाँ पर 1 और क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 6, 3 और क्या हो जाएगा 2। इतना ठीक है।
चलो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे R1 R2 से हम लोग विस्तार करने का प्रोसेस चलें, जो हम लोग करते हैं बार बार। देखो ये आपका C1 है, C2 है और ये क्या है C3। यहाँ पर R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा और ये क्या है R3। पता है ना कैसे करना है? C1 को पकड़ना है, ऐसे रखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा -4 और यहाँ पर हो जाएगा 6। देखो हमेशा हमेशा सी से आप आर्स में करना, यानी स्तंभ से पंक्ति में करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि एक ही प्रोसेस यदि हम आपको सिखाएंगे ना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि हाँ हर एक सवाल में क्या आप कर पाओगे। तो इस तरह से पकड़ोगे, ऐसे बैठाओगे, देखो ऊपर का 1 है, बीच का -4 है और ये है आपका 6। इसे घुमाओगे तो -1 और 1 -4 और 6 आपका बन जाएगा। अब चलो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, बनाएंगे तो क्या होगा, देखो C1 से गुणा किए हो तो यहाँ पर C1 ही बनेगा, ये आप दिमाग में रखना। ठीक, करो 2 एकम 2 हो जाएगा, एक से -4 में करोगे तो आपको पता है कि -4 हो जाएगा, और 5 से 6 में करोगे 6 5 क्या हो जाएगा 30। आगे देखो -1 से 1 में करोगे तो -1 हो जाएगा, -3 से इसमें करो ध्यान देना, ये भी माइनस ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 4 क्या हो जाएगा 12 होगा, और 4 6 क्या हो जाएगा 24। समझ में आ रही बात ना? देखो अच्छे समझोगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि समझ में ना आए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 6 एकम क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस से माइनस में गुणा, ये भी आपका हो जाएगा प्लस, 2 4 हो जाएगा 8, 1 से 6 में करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6। ठीक है, अब वही प्रक्रिया C2 को आप पकड़ोगे, C2 को पकड़ करके घुमाओगे तो क्या क्या मिलेगा ध्यान देना, C2 को पकड़ कर घुमाओगे तो ये चीज़ें हट जाएंगी। अब यहाँ पर C2 की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, इस तरह से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका बनेगा क्या C2 बनेगा। ठीक, चलिए तो 2 2 के 4 हो जाएगा -4, 1 से 1 में करोगे तो प्लस हो जाएगा 1 और 5 3 हो जाएगा क्या 15। ठीक है, अब चलो देखो -1 से -2 में करोगे तो यह हो जाएगा +2, -3 से 1 में करोगे तो माइनस हो जाएगा 3 और 4 3 हो जाएगा 12, प्लस कितना हो जाएगा 12। फिर आ जाओ इसमें 6 2 के हो जाएगा 12, इसके -2 से 1 में करोगे तो -2 गुणा देख लेना कहीं गलत ना हो, 1 3 हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखो C1 हो गया C2, थोड़ा इसको मैं कलर बदलता हूँ, एक ही कलर का है तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, C1 बन रहा है C2 बन रहा है। अब ठीक, अब यहाँ पर बनेगा क्या C3। ठीक ना, तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, C3 को पकड़ोगे ऐसे, तो फिर C3 को हम लोग घुमाने वाले हैं, C3 को ऐसे पकड़ोगे, ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 5 और क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलो तो अब हम लोग लिखने का प्रोसेस शुरू करते हैं 3 से। आइए C3 है ना, C3 वाले से हो रहा है, तो देखिए 2 3 हो जाएगा 6 प्लस 1 5 हो जाएगा 5 प्लस 5 2 के हो जाएगा क्या 10। आगे -1 से 3 में करोगे तो -3, -3 से इसमें करोगे तो माइनस हो जाएगा क्या 15 और ये हो जाएगा 4 2 के क्या हो जाएगा 8। आगे 6 से करोगे 3 में तो 36 हो जाएगा क्या 18, -2 1 से करोगे 5 में ना, -2 से 5 में करोगे तो देखो ये माइनस ये पाँच प्लस छिपा हुआ है तो माइनस से प्लस में गुणा प्लस, 2 5 कितना हो जाएगा 10, और माइनस से प्लस में गुणा माइनस होगा ना माइनस। ठीक है, अब ये में आ जाओ भाई, माइनस से इसमें 2 1 से 2 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं आंसर फाइनल की हम लोग बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस वाले को 1 में जोड़ दो, 30 2 32 हो जाएगा और ये माइनस से तो घट जाएगा, 30 2 32 32 में से 4 घटेगा आपका हो जाएगा कितना 28, कितना हो जाएगा 28। थोड़ा आप भी मिलाते रहिए हैं कहीं गलत ना हो। देखो यहाँ पर देखो 12 में से 1 घटेगा 11 हो जाएगा और 11 में 24 आपको जोड़ना है तो 4 1 हो जाएगा 5, 2 1 हो जाएगा 3, यानी कि यह बन जाएगा हम लोगों का 35। अब इसमें आ जाओ देखो 6 6 12 12 8 कितना हो जाएगा 20, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। अब देखिए देखो 15 और 1 16 हो जाएगा, 16 में से 4 घटेगा तो आप कहोगे सर हो जाएगा आपका 12, क्योंकि 15 और 1 16 16 में से 4 घटेगा तो 12 हो जाएगा और 15 16 12 है तो प्लस में होगा ही। ये मैं आइए 12 और 2 आपका हो जाएगा 14 14 में से 3 घटेगा तो आपका हो जाएगा कितना 11, क्योंकि 14 बड़ा है तो प्लस में ही रहेगा। इसमें आ जाइए देखिए 12 2 14 यानी कि ये हो रहा है -14 और जुड़ रहा है 3 तो ये घटेगा, घटेगा तो हो जाएगा कितना 11 होगा, लेकिन 14 बड़ा है तो क्या लगेगा माइनस, ये चीज आपको आना चाहिए, ये हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा कितना 11। ठीक है, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा।
अब इसमें आ जाइए, 10 5 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21। इसमें आइए देखिए, 15 3 हो जाएगा 18, -18 हुआ और प्लस यहाँ पर है 8, तो घटेगा तो यह हो जाएगा 10, 18 यानी कि यह हो जाएगा क्या, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 10। ठीक, इसमें आइए 18 2 कितना हो जाएगा 20, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वालों को मैं एक साथ ले रहा हूँ, 18 2 हो जाएगा 20 और 20 और माइनस ये हो रहा है 10, तो यह हो जाएगा कितना 10, 20 बड़ा है तो प्लस, यानी कि प्लस हो जाएगा कितना 10। तो यहाँ पर ये जो है आप लोगों का फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर आ चुका है, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस चला, जो कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि गुणा जो है कैसे आपका बार बार हो रहा है, ये जो है गुणा है। ठीक है, चिन्ह भी अलग अलग हो, कोई घबराना नहीं है आपको। कभी कभी क्या कहता है ना कि जैसे इस तरह सवाल दे देगा, ए बी दे देगा, और ए बी दे देगा तो, और कभी कहेगा कि आप निकालो, क्वेश्चन दे देगा कि आप ए का स्क्वायर निकालो। ठीक है, और क्वेश्चन दे सकता है ऐसे भी कि बी का घात 3 करो, और ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि आपका कह देगा कि ए का घात क्या करो 3, इस तरह से। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब यह हुआ कि जो ए वाला आव्यूह है उसको दो बार लिखना, यानी कि इसको करना है ए डॉट ए, ए से ए में आव्यूह में गुणा का आप करोगे तो करोगे क्या कि ए वाले आव्यूह को दो बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उनके बाद मल्टीप्लाई जिस तरह से यहाँ पर किए हैं वैसे ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं हो रहा होगा क्योंकि आप लोग ये सब चीज़ें पढ़े हैं और ये छोटी सी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग गुणा समझ गए हैं, गुणा किस तरह से करना है और स्टेप बाय स्टेप भी हम आपको बता दिए। एक चीज में और बता देना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर अलग चीजें क्या हो सकती है, जैसे कभी कभी क्या कहेगा 2a भी दे सकता है, 2a प्लस आपका b इस तरह से करके देख सकता है, 2a प्लस b भी करके देख सकता है। तो यहाँ पर इसको लिखने का तरीका ये होता है ना कि यहाँ पर 2a प्लस यदि b कर दिया, यानी 2a प्लस b कर दिया, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखो ए वाले आव्यूह में 2 से गुणा करोगे, इसके बाद बी वाले आव्यूह को जोड़ोगे। ठीक है, यदि डॉट यहाँ पे हो तो दोनों का मल्टीप्लाई करके, यानी दोनों का डॉट निकाल करके इसके बाद 2 से आप गुणा करोगे, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर पहले कह रहे हैं कि 2 लिखो, ए वाला आव्यूह लिखो, तो ए वाला आव्यूह 1 है, -2 और यहाँ पर 3। ठीक है, इस तरह से ए वाला आव्यूह पहले लिख लोगे, पहले मैं समझा रहा हूँ, अच्छे समझ लो। ठीक है, घबराना नहीं है, ताकि आपको एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले ये सब चीज़ें बेसिक कंसेप्ट जो चला रहे हैं ना, इसको आप अच्छे समझ लो, जिनको पता होगा उनके लिए तो ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये बहुत कठिन लग रहा होगा। बाहर आपका 2 है तो पहले 2 से आप गुणा करोगे, ये नहीं कि पहले आव्यूहों को जोड़ लेना इसके बाद 2 से गुणा करना, गलत हो जाएगा। 2 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2 हुआ, 2 2 के हो जाएगा 4, 2 3 हो जाएगा 6, 2 6 हो जाएगा 8, 2 एकम हो जाएगा 2, 2 5 हो जाएगा 10, 2 6 हो जाएगा 12, 2 3 हो जाएगा 6, तो 2 2 के हो जाएगा 4 प्लस, अब ये हो जाएगा 2 1 5 -1 -3 और 4, 6 -2 और क्या हो जाएगा 1। चलो अब यहाँ पर क्या करोगे, आप आसानी से जोड़ सकते हो, जो कि पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ कैसे आपको जोड़ना है। तो चलिए हम यहाँ पर समझा देते हैं, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, -2 प्लस 5 यानी कि -2 में प्लस -4 प्लस 1 करना है, 1 करना है तो ये चिन्ह के अनुसार घट रहा है, ये हो जाएगा 3, 4 बड़ा है तो क्या लगा दो माइनस, यानी कि ये हो जाएगा -3। अब यहाँ पर देखो 6 प्लस 5 लोगे तो 6 5 हो जाएगा 11, -8 प्लस -1, देखो -8 है और प्लस करना है -1 को, -8 प्लस से -2 -1, दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कितना 9, समझ में आ रहा है। अब देखो 2 प्लस -3, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, फिर लिखोगे, ठीक है, 2 प्लस करोगे -3 है ना, तो यहाँ पर देखो 2 प्लस से -3 हो जाएगा और घटेगा, 3 में से 2 घटेगा, 1 3 बड़ा है तो माइनस, यानी कि ये मिला -1, समझना कैसे हो रहा है, -1 आपका हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ घटाना की बात है, जिसको आ रहा होगा वो अच्छी बात है, जिसको एक जोड़ घटाना पता होगा तो समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं पता है उसको भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। 10 प्लस 4 तो यह हो जाएगा कितना 14, 12 प्लस 6 यानी कि यह हो जाएगा 18, 6 प्लस -2, देखो यहाँ पर थोड़ा अलग हो जाता है तो इसलिए मैं लिख कर आपको बता देता हूँ, 6 प्लस -2 जो है आपका हो जाएगा 2, तो 6 हो जाएगा +2 -2 और ये घटेगा, 6 में से 2 घटेगा 4, 6 बड़ा है तो प्लस, यानी प्लस हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा क्या 5। तो यहाँ पर जो है कि फाइनल आंसर आपका आ चुका है, देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हम बता दिए हैं आपको, इस तरह से आप कर सकते हो, सारे तरीके यहाँ पर हम आपको समझा दिए हैं किस तरह से आपको करना है। ठीक है,
तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगर अभी भी गुणा में कोई दिक्कत है तो गुणा आप देख सकते हैं फिर से वीडियो को रिवाइज करके, और जोड़ घटाना की बात है तो जोड़ घटाने की प्रक्रिया हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़े थे, जो पहला क्लास स्टार्ट हुआ था, तो उसको आप देख लीजिए पहले। यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आव्यूह निर्माण सूत्र क्या होता है, कैसे जो है कि उसको आप बना सकते हो। किसी भी आव्यूह को दे दिया, 2 × 2 का आव्यूह, 3 × 3 का आव्यूह बनाने के लिए दे दिया, और आपको सूत्र देगा कि इस सूत्र पे रख करके बनाओ तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आव्यूह निर्माण सूत्र देखिए क्या है। और आव्यूह निर्माण सूत्र क्या है, आव्यूह निर्माण सूत्र को लिखते कैसे हैं वो चीजें देखिए। आव्यूह जो निर्माण सूत्र होता है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, देखिए आव्यूह निर्माण जो सूत्र चलता है ना, A11 चलता है, A12, A13 डॉट 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 चलता है A1N, यानी कि इस तरह से 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करते करते डॉट तक जा सकता है, ठीक है। आव्यूह निर्माण में सूत्र बता रहा हूँ। अब यहाँ पर होता है देखो, 11 चल दिया तो इसके बाद 21 से चलता है, A21 चलता है, A22 चलता है, ए आपका 23 चलता है, ये क्या चलेगा 23। डॉट 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 देखो, पहला अवयव जो है आपके सेम है, यानी कि A2 हो जाएगा, और डॉट डॉट कहाँ तक हो सकता है, N तक, है ना, समझ में आ रही है बातें। अब देखिए इसी तरह से ए आपका 31 हो जाता है, ए आपका जो है 32 हो जाता है, ए आपका 33 हो जाता है, डॉट 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 डॉट, है ना। देखो तीन क्रम आपका लगातार, तीन लगातार चल रहा है, लेकिन 1, 2, 3 लास्ट वाला जो है अंक हमेशा बदल रहा है, तो ये आप एन मान सकते हो उसको, क्या मान सकते हैं, एन, यानी एन जो है आपका स्तंभ डिनोट कर रहा है भाई, एन स्तंभ है। अब इसमें हो जाएगा इसी तरह डॉट डॉट मैं कर देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा ए, देखो यहाँ पर ये आपका जो है ना पहला अवयव, इसमें स्तंभ में देखोगे ना तो ये पहला अवयव बदल रहा है, यानी कि स्तंभ में पहला अवयव यानी कि ये एम हो सकता है, 1 है तो 1 M1 हो सकता है। इसमें आ जाओ डॉट 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 करके हो जाएगा AM2, और डॉट डॉट करके ये हो जाएगा AM3, ठीक। इस तरह से आपका जो है कि हो जाएगा, है ना, इस तरह से आपका हो जाएगा। यदि मैं क्रम की बात कर लूँ, क्रम भी तो आपको चाहिए, देखो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक, ये M तक है, तो यानी कि ये क्रम जो है M गुणे कितने का है, N का। एम गुणे एन का मतलब यह हुआ कि देखिए यहाँ पर ये पहली पंक्ति है, मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये पहली R1 है, और ये आपका R2 है, और ये आपका R3 है। देखो ये पहला वायु बदल रहा है कि नहीं, डॉट डॉट कहाँ तक है, एम, पहला वायु एम तक गया है, यानी कि ये डॉट 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 जा रहा है RM, यानी कि एम पंक्ति इसमें टोटल है, यानी RM कर देंगे। इसके बाद स्तंभ में आएंगे, देखो C1, C2, C3 डॉट 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 कहाँ तक, CN तक, यानी कि स्तंभ टोटल जो है आपके N, N स्तंभ है और M क्या है, पंक्ति है, ठीक है। तो ये आपका आव्यूह निर्माण सूत्र है, आप हमेशा याद रखोगे तो बहुत ही सरल तरीके से आप कर पाओगे। इसी तरह से यदि डॉट आगे की बात करूँ तो यहाँ पर A41 हो जाएगा, 42, 43, 44 ऐसे करते आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद A51 आएगा, 52, 53, 54 ऐसे जो है कि आपका शुरुआत होगा। तो ये आपका आव्यूह निर्माण सूत्र है, इस आव्यूह निर्माण सूत्र से आप हमेशा अवयवों को लिखेंगे। तो देखो हमेशा ये सूत्र है, ये सूत्र आप हमेशा याद रखना, कभी भी भूलना मत, ये आपका सूत्र है, क्या है, सूत्र। जैसे सूत्र में ये तो आपका हो गया, अगर देखो इसमें ये कहता है क्वेश्चन कैसे दे सकता है, क्वेश्चन पहले समझ लो, क्वेश्चन कैसे दे सकता है, देखो यदि कह दिया कि 2 × 2 का आव्यूह, 2 × 2 यानी कि M और क्या है N, यानी कि दो पंक्ति और दो स्तंभ का आपको एक आव्यूह बनाना है, जिसमें दो गो पंक्ति हो और दो गो स्तंभ, आपको एक आव्यूह बनाना है, निर्माण कीजिए। उसमें आपको सूत्र भी दे देगा, यानी कि इतने क्रम का आव्यूह निर्माण करिए, आव्यूह निर्माण कीजिए, ठीक है, आव्यूह निर्माण करिए, जो कि देखो 2 × 2 का जो क्रम है, इस ऐसा जो है आव्यूह आपको निर्माण करना है। आपको पता है कि M और N, M पंक्ति है और N स्तंभ है, ठीक है, यानी कि दो पंक्ति और दो स्तंभ आपके होने चाहिए। और इसमें यह भी आपको दे देगा, सूत्र भी देगा,
देखो इसमें आपको दे देगा कि सवाल में देगा कि मैं भैया मैं सूत्र दे रहा हूँ, जैसे आपसे कह दिया जाए कि ए आई जे इजिकल टू आपका है आई प्लस जे, ठीक है, इस तरह से आपका सूत्र दे दिया। दूसरा सूत्र कह दिया कि दूसरा मैं सवाल आपको दे रहा हूँ कि ए आई जे होगा हमेशा ए आई जे बराबर करके होगा 2i+j और बाटा में आपका 2 हो सकता है या स्क्वायर भी करके इस तरह से आपको दे सकता है। तो मैं समझाने के लिए केवल आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो पहले सवाल को मैं ले रहा हूँ सॉल्व करना कि सॉल्व जो है आप कैसे करोगे। पहला सवाल देखो, हल सबसे पहले ये आपको देखना है कि आखिर में कितने क्रम का आव्यूह चाहिए, आखिर में कितने क्रम का जो है आपको आव्यूह चाहिए वो क्रम देख लो। 2×2 का यानी कि 2 गो पंक्ति चाहिए, 2 गो स्तंभ तक जाना है, ध्यान देना। तो पहले 2 गो पंक्ति गिन लो, एगो पंक्ति 2 गो यानी कि इस पंक्ति के सिद्ध में आना है, यहाँ तक आना है, ठीक है, R2 के तरफ, R2 के यहाँ तक जाना है। इसके बाद 2 गो स्तंभ होना चाहिए, तो स्तंभ 2 गो स्तंभ पे जाओ, C1 C2 यहाँ पर 2 गो स्तंभ आ गया, यानी कि इस स्तंभ के सिद्ध में आप आ जाओगे, जो जो अवयव बनेगा उसको आप ले लोगे। देखो तो इसके सिद्ध में आ रहा है, C2 तक जाना है, C2 तक आ गए, अब यहाँ पर यानी कि ये जो है अवयव आपको लेना पड़ेगा। तो दो पंक्ति और दो स्तंभ के लिए आपके अवयव कौन कौन से मिलेंगे, यहाँ पर आप पुट कर लोगे। अवयव होने चाहिए A11 आपके होना चाहिए, A12, A आपका 21 होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए 22, यानी कि यह कितने क्रम के लिए है, 2×2 के क्रम के लिए जो है कि इतने अवयव आपको चाहिए। समझ में आया? अगर यहाँ पे 3×3 की बात होती या 3×2 की भी बात होती, तो 3×2 का आता तो 3 पंक्ति यानी कि यहाँ तक पद इस R3 तक आ जाते हैं, और इसके बाद 2 स्तंभ है तो आप C1 तक रहते, यानी कि आपको यहाँ तक आना पड़ता। तो इस तरह से आव्यूह को आपको लिखना पड़ेगा। पहले सूत्र आप लिखेंगे इस तरह से कि कौन कौन से अवयव चाहिए। इसके बाद जो पहला सवाल है, मैं पहला सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूँ। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना। पहला कह रहा है कि AIJ इजिकल टू दिया है I+J। अब ज्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर आई क्या है और जे क्या है, आई क्या है जे क्या है, आई और जे पंक्ति और स्तंभ है यानी अवयव को डिनोट कर रहे हैं। देखो इसमें आई जे कौन हो जाएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे A11। ए हम लोग क्या निकालेंगे, 11 निकालेंगे। तो देखो पहला जो मान होगा वो आई का होगा, दूसरा जो मान होगा वो किसका होगा, जे का। तो आई का मान भी एक है, जे का भी मान एक, तो इसमें आप रखोगे 1+1, 1 1 कितना हो जाएगा 2, A11 का मान 2 आ गया। उसी तरह से A12 आप लिखोगे तो A12 लिख दोगे। पहला अवयव जो है आई का होता है, दूसरा अवयव किसका होता है, जे का, ध्यान देना। तो इसमें रखोगे तो पहला आई की जगह पर 1+ जे की जगह पर क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। क्या ये चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, इतना चीजें आपको समझ में आ रहा है ना, किस तरह से आपको करना है। आगे देखो, चलो इसके बाद A21 की बात करें, A21 का हम लोग ले लेते हैं। तो पहला आई का मान है, दूसरा जे का, आई का मान 2 रखोगे तो आई की जगह पर 2 हो जाएगा, जे का मान 1 है तो यहाँ पर रखोगे 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। फिर A22 हो जाएगा, A22 पहला मान आई का है, दूसरा मान जे का है, पहला मान आई का है, दूसरा मान किसका है, जे का, ठीक है। तो आई का मान 2 है, जे का भी मान 2 है, तो इसमें रखोगे आई की जगह पर 2, जे की जगह पर क्या हो जाएगा 2। देखो इसी सूत्र में बस आपको रखना है, और इजिकल टू हो जाएगा 2 2 कितना हो जाएगा 4। क्या सभी चारों इन अवयवों को हम लोग फाइंड कर ले इस सूत्र से? तो आपको सर जरूर निकाल लिए। तो अब हम लोग यहाँ पर फाइनल आंसर इसका लिख सकते हैं। फाइनल आंसर A11 हो जाएगा जो कि आपका 2 आया हुआ है, A12 हो जाएगा जो कि आपका 3 आया हुआ है, A21 हो जाएगा जो कि आपका क्या है 3 है, और A22 जो है आपका कितना है 4। यानी कि ये साफ साफ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है। ये जो है आपका 2×2 के लिए आव्यूह निर्माण के हिसाब से ये आपका सूत्र रहा। तो किसी भी बच्चे को यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। अगले वीडियो में हम आपके साथ लेकर आएंगे सखंड की बात, ठीक है, सखंड और सखंडज की बात की जाएगी अगले वीडियो में। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई किस तरह से आपको फाइंड किया जा रहा है। देखो अब तो ये एक सवाल हो गया, दूसरी कंडीशन क्या है, करे कि दूसरा जो सवाल है ना, दूसरा सवाल करे कि AIJ आप करना लेकिन 2i+j पे करना और बाटा में क्या करना 2। अब इस पे निकालने के लिए कह रहा है कि भैया इस पे निकाल कर बता दो कि क्या हो जाएगा। तो चलो हम लोग इस पे भी देख लेते हैं। अब हम लोग निकालने वाले हैं इस पे, यानी कि इस सूत्र पे जो है ना
दो गुणे दो का अवयव जो बना रहा है, ये जो आपका अवयव बनेगा क्या क्या अवयव आ सकते हैं, तो दो गुणे दो के लिए तो सूत्र वहा ये रहेगा, यही यही चाहिए। चलो पहले ए ग्यारह निकाल लेते हैं, इसके लिए ए ग्यारह, तो इसके लिए निकाल लेते हैं ए ग्यारह। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए ग्यारह, पहला अवयव आई का है, दूसरा अवयव जे का, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। तो दो गुणे है तो दो गुणे रखोगे, आई का मान कौन है पहला वन, प्लस जे का मान है दूसरा, दूसरा भी है वन, बाटा में क्या हो जाएगा टू, दो एकम दो प्लस एक बटा में दो, दो कितना हो जाएगा तीन, बटा में क्या होगा दो, बोलो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे आ जाओ ए बारह की बात करो, ए बारह की बात हम लोग करेंगे, पहला मान आई का है, दूसरा मान जे का, तो आई का मान कितना हो जाएगा दो मल्टीप्लाई पहले हमेशा होगा, क्योंकि दो तो भाई हमेशा है, आई का मान हो जाएगा पहला मान यानी कि एक है, प्लस जे का मान कितना है दो, बाटा में आपका क्या हो जाएगा ठीक है दो हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया दो इजकल टू, दो एकम हो जाएगा दो प्लस यह हो जाएगा दो, बटा में यह हो जाएगा दो, दो दो कितना हो जाएगा आपको सर चार, बटा में हो जाएगा दो, कटा दो, दो दुनी के चार इजकल टू क्या हो जाएगा दो, दो आ गया। अब आ जाओ ए इक्कीस वाले पे, ए इक्कीस की हम लोग बात कर लें, तो आई का मान दो है, जे का मान एक, तो यहाँ पर हो जाएगा दो गुणे आई का मान कितना है दो पहला, और जे का मान है दूसरा यानी कि वन, बाटा में क्या हो जाएगा दो इजकल टू, दो दुनी के हो जाएगा चार प्लस वन, बाटा में क्या हो जाएगा दो। अब देखो चार और एक हो जाएगा पाँच, बाटा में क्या हो जाएगा दो, आया समझ में आ रहा है ना कुछ, आगे बढ़ो। इसके बाद आते हैं ए बाईस पे, ए बाईस पे हम लोग आएंगे, तो आई का मान एक है, दूसरा जे का मान है, तो आई का मान भी दो है, जे का मान दो, तो रखो इसमें दो गुणे आई का मान भी दो, जे का भी मान दो, बाटा में क्या हो जाएगा दो, दो दुनी के चार, और चार और दो छः, एक ही बार कर दे रहा हूँ ठीक है, छः बटा में हो जाएगा दो, कटा दो दो तीन है छः, यहाँ पर हो जाएगा तीन ठीक है। चलो भाई आ जाओ, अब इसके लिए जो है ना आंसर कितना आ जाएगा, अभी वो दो गुणे दो के लिए कह रहा था, तो अब आंसर आपका फाइनल मिलेगा यहाँ पे। ए ग्यारह चाहिए यानी कि तीन बटा में दो है ठीक, ए बारह चाहिए यानी कि दो है, ए इक्कीस चाहिए यानी कि पाँच बटा में कितना है दो, और इसके बाद ए बाईस चाहिए यानी कि यहाँ पर मौजूद है तीन, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो मैं उम्मीद आपसे रखता हूँ कि बिल्कुल ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है यहाँ पे कि करना है ठीक। तो ये रहा अवयव निर्माण सूत्र पर आधारित, तो ये आपका जो है दो गुणे दो के क्रम का रहा, इसी तरह से आप तीन गुणे दो का भी आप निकाल सकते हो ठीक है। चलो मैं एक सवाल आपको ये भी समझा देता हूँ कि तीन गुणे दो या दो गुणे तीन का कैसे आप निकालोगे, उसके लिए अलग सूत्र लूँगा, या आप इस पे भी समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं ठीक है, लेकिन मैं एक अलग सूत्र ले लेता हूँ फिर से ताकि आपको बिल्कुल और अच्छे समझ में आ जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ बताता हूँ ठीक है, दूसरा क्रम का मैं लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे यहाँ पर। अब ये लास्ट है, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे, और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। अब देखिए ये आप सूत्र हमेशा याद रखिए, कभी भी भूलिएगा मत। देखिए यहाँ पर कह रहे तीन गुणे दो, तीन गुणे दो का क्रम है, इसका मतलब कि आपको पता है कि हम पहले भी बताए हैं कि पहली पंक्ति होती है, दूसरा क्या होता है स्तंभ, पहला मान पंक्ति का होता है यानी तीन पंक्ति चाहिए, और कितने स्तंभ चाहिए दो स्तंभ चाहिए। तो चलो हम लोग यहाँ आ जाते हैं इस पर ठीक है, इसी के अनुसार हम लोग लेकर चलेंगे। तो तीन पंक्ति कहाँ तक है, तीन को पंक्ति चाहिए ठीक है, तीन पंक्ति में आ जाओ एक दो तीन, यहाँ तक तीन पंक्ति हो गई। इसके बाद दो गो स्तंभ के सीध में आप जाना है, सी वन सी टू यहाँ पर है ना दूसरा स्तंभ, अब इसके सीध में आना है तो आर वन को ले जाएंगे ऐसे, इसी के सीध में यही तक आ रहा है ना, यानी कि इतने जो है अवयव आपके मिलेंगे ग्यारह बारह इक्कीस बाईस और इकतीस और बत्तीस। समझ में आया किस तरह से क्रम को पहले लिख लेंगे सूत्र के हिसाब से। चलिए तो हम जो है यहाँ पे सूत्र जो है हम लिखते हैं, इसके बाद जो है सवाल का सोल्यूशन मैं कराता हूँ। चलिए पहले लिख लीजिए दो गुणे दो के लिए क्या क्या चाहिए, भैया चाहिए ए ग्यारह ए बारह ठीक है, तेरह में तो जाना नहीं है क्योंकि सी टू तक जाना है केवल ठीक है, इसके बाद ए इक्कीस और यहाँ पर हो जाएगा ए बाईस, आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए इकतीस और यहाँ पर हो जाएगा ए बत्तीस, और ये जो क्रम बना हुआ है तीन गुणे कितने का है दो का, क्योंकि तीन गुणे दो ही से आपसे पूछ रहा था, तो हमने तीन गुणे दो के लिए सूत्र पूरा लिख दिया हुआ है कि यानी कि क्या कौन से अवयव जो है आपको चाहिए, कौन कौन से अवयव चाहिए ताकि ये सूत्र आप जो है अवयव का निर्माण कर सको तीन गुणे तीन के लिए। तो ए ग्यारह चाहिए ए बारह इतने अवयव चाहिए, तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सूत्र पहले लिखेंगे ए आई जे के हिसाब से कह रहे हैं निकालने के लिए,
और फाइव आई कह रहा है, फाइव आई है और माइनस जे का क्या करना है, स्क्वायर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से हम लोग निकाल लेंगे निकालेंगे। देखिए पहले ए ग्यारह निकालेंगे, तो ए ग्यारह लिखेंगे, आई का मान एक, जे का मान भी एक। यहाँ पर देखो रखोगे, अब डायरेक्ट मैं करता हूँ, आई का मान एक रखेंगे तो एक पाँच हो जाएगा पाँच, माइनस जे का मान एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर, पाँच में से एक घटेगा आपका हो जाएगा चार, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, चार का स्क्वायर करोगे चार चौक कितना हो जाएगा सोलह, समझ में आना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बताना। इसके बाद ए बारह आ जाएगा, ए बारह पहला मान आई का होता है, दूसरा मान जे का, आई का मान एक यानी कि इसमें आई की जगह पर एक, तो एक पाँच हो जाएगा पाँच, माइनस जे का मान है दो, तो यहाँ पर हो जाएगा दो, इसके बाद हो जाएगा स्क्वायर, तो पाँच में से दो घटाओगे तो यह हो जाएगा तीन का स्क्वायर, इसके बाद स्क्वायर का तीन तो लिखे क्या हो जाएगा नौ। ए इक्कीस, ए क्या हो जाएगा इक्कीस इजकल टू, आई का मान क्या है दो है, जे का मान एक, यानी कि इसमें आई की जगह पर दो रखेंगे और जे की जगह पर एक, तो दो पचे दस, माइनस जे की जगह पर हो जाएगा एक, तो यहाँ पर हो जाएगा एक का क्या स्क्वायर, यहाँ पर दस में से एक घटेगा, यहाँ पर हो जाएगा नौ का स्क्वायर है तो स्क्वायर, नौ का स्क्वायर करोगे नानवा कितना हो जाएगा इक्यासी, समझ में आ रही बात। देखो ये बहुत ही सिंपल है, टाइम मुझे देखो कोई भी चीज़ में पढ़ाता हूँ तो टाइम लगता है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ बेसिक कंसेप्ट से बताना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है। अब देखो यहाँ पर ए बाईस हो जाएगा, अब निकालोगे ए बाईस तो इजकल टू हो जाएगा, देखो आई का भी मान एक, जे का भी मान सॉरी आई का भी मान दो, जे का भी मान दो, दोनों का दो है, आई का मान दो रखोगे तो दो पचे दस, माइनस जे का भी मान कितना हो जाएगा दो, जे का भी मान कितना हो जाएगा दो का स्क्वायर, तो यहाँ पर दस में से दो घटेगा आपका हो जाएगा आठ का क्या कर दोगे स्क्वायर, तो आठ आठ कितना हो जाएगा चौंसठ, आठ आठ कितना हो जाएगा यहाँ पे चौंसठ आपका हो जाएगा, है ना। चलो इसके बाद 31 की बात की जाए मेरे भाई, ये भी 31 32 दोनों बाकी है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लें 31 की। चलो हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं और मैं एक बार देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, शायद दिख नहीं रहा होगा तो वहाँ से हटाना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक तो आप देख ही सकते हो, दिख रहा है यहाँ तक आपको, दिख रहा है यहाँ तक आपको दिख रहा है, चलो दिख रहा है तो देखो, आई का मान तीन रखना है तो तीन पाँचे हो जाएगा पंद्रह, माइनस जे का मान कितना है एक है तो एक रख दो, पावर दो है तो दो लगाओगे, देखो पंद्रह में से एक घटेगा आपका हो जाएगा चौदह और पावर दो है तो दो, चौदह का स्क्वायर करोगे चौदह गुणे क्या हो जाएगा चौदह, गुणा कर लो मुझे याद नहीं, नहीं तो लिख देता, चार चौके सोलह के छः, हाथ से ले एक, चार एकम चार और एक पाँच, एक चार चार और यह हो जाएगा एक एक छः, पाँच चार नौ और एक सौ उनहत्तर हो जाएगा, सॉरी 196 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ए बत्तीस का करोगे तो आई का मान तीन, तो तीन पाँच हो जाएगा पंद्रह, माइनस जे का मान क्या है दो का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा देखो तेरह में से पंद्रह में से दो घटाओगे तो आपका हो जाएगा तेरह का क्या स्क्वायर, तेरह तेरह में एक सौ उनहत्तर होता है क्या, चलो मैं गुणा करके देख लेता हूँ भाई, तीन तिली के नौ, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन और एक एकम एक, यह हो जाएगा नौ, छ और एक सौ उनहत्तर, यह हो जाएगा एक सौ उनहत्तर हुआ। अब चलो भाई इतना तो आप समझ गए कैसे जो है कि निकाला गया है। देखो हर एक चीज़ आपको बताना पड़ता है, हर एक चीज़ आपको बताना पड़ता है, इसीलिए मुझे टाइम लगता है, आपको पता ही है। चलो इसके बाद आबे हो सु इसके बाद आंसर क्या फाइंड हो जाएगा आपका, चलो हम लोग बना लेते हैं, सब कुछ पता ही कर चुके हैं। ए ग्यारह का मान कितना है 16, कहीं जोड़ घटाना देख लीजिए, कहीं अंक लिखने में गलत ना हो, आपको पता है कि मुझसे गलत ही हो जाती है। ए बारह का मान कितना है आपको सर 9 हो गया। इसके बाद ए इक्कीस का मान कितना है 81, ए बाईस का मान चाहिए तो कितना है 64, ए इकतीस का मान चाहिए तो कितना है 196, ठीक है 196। इसके बाद ए बत्तीस का मान कितना है 169, तो यह हो जाएगा 169। अब क्रम कितने का है, तीन गुणे कितने का है दो का, ये जो है आपका फाइनल आंसर आया, क्या आया फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो देख सकते हैं इस तरह से जो है आप स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हो, ठीक है। और इसी तरह से आप चार गुणे तीन का भी निकाल सकते हो, तो चार पंक्ति आपको लेना है और तीन स्तंभ तक आपको जाना है। तो ये सारी चीज़ें रही जो कि बेसिक कंसेप्ट हम बताए हैं आपको, आव्यूहों का गुणा करने के लिए सिखा दिए हैं, एक सवाल उसमें ऐसा भी लिए थे जो कि आपका जोड़ भी था, ठीक है, तो वो भी आप समझ गए। इसके बाद इसमें आव्यूह निर्माण सूत्र के हिसाब से जो है कि आव्यूह निर्माण कैसे किया जाता है वो भी आप समझ गए, सब कुछ मैं समझा दिया हूँ। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर होंगे, और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, हमारे साथ नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।